मैं क्षितिजा, एमएनएल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नागपुर शहर हो रहा है धुआं धुआं। यूं तो नागपुर का पॉल्यूशन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके चलते नागपुर शहर में ऐसे अनगिनत बीमारियों से नागपुर शहर की जनता त्रस्त होती जा रही है, जिसके चलते नागपुर शहर की जनता आर्थिक और शारीरिक तौर पर कमजोर होती जा रही है। नागपुर शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बस सेवा नागपुर शहर की जनता बीमार और बेबस कर रही है। आईटीयू विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2017 से BS4 मापदंड की है। डीजल वाहनों को नागपुर शहर में चलने की अनुमति होने के बावजूद नागपुर शहर की लाइफलाइन बसें ताकि आरटीओ विभाग के नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है, जिसके चलते नागपुर शहर की जनता को स्वास्थ्य का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नागपुर शहर में जितनी भी स्टार बसें है वह सारी बसें BS3 की है, जिससे शहर का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। बहुत जल्द दिल्ली की तरह भी नागपुर शहर का प्रदूषण स्तर बढ़ता दिखता जा रहा है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक नागपुर शहर की जनता वह लगभग 45% बढ़ चुकी है, ऐसा सर्वे का खुलासा हो चुका है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखते रहिए और बने रहिए MNS न्यूज के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।